हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को सीसीटीवी और सिक्योरिटी सिस्टम रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए। हेलो गाइस, मल्टीटेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बताने जा रहा हूं कि हिकविजन कैमरे या प्रोसेस करीब करीब सबका सेम ही होता है, तो मैं हिकविजन का भी बताने जा रहा हूँ कि आईपी कैमरे में सॉफ्टवेयर होती है तो उसे हम कहाँ पे चेक करते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले कुछ वीडियो बनाई है उसमें मैंने जिक्र किया है आपसे कि इसके लिए ब्राउजर को ओपन करते हैं, ब्राउजर पे जाकर के आईपी के द्वारा इसको ओपन करते हैं, तब हमें सॉफ्टवेयर मिलती है, बहुत सारी सेटिंग्स होती है, करनी पड़ती है। बट आज मैं एक छोटी सी वीडियो लेकर के आया हूं कि DHCP इनेबल और डिसेबल कैसे करते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम डेस्कटॉप पे और आपको बताते हैं। ठीक है, तो हमें भी आईपी मिली है 192.168.0.40। ठीक है, अब इसको हम ब्राउजर पे ओपन करेंगे। चलिए तो हम ब्राउजर को ओपन करते हैं, कोई सा भी ब्राउजर ले लीजिए, हम माइक्रोसॉफ्ट एज है, इसी पे डालते हैं इसको। वन, जैसा कि अभी डाला हुआ है, 192.168.0.40। अब यहाँ पे हम कैमरे के यूजर आईडी डालेंगे एडमिन, और जो आपका पासवर्ड होगा पासवर्ड भी डाल सकते हैं, पासवर्ड डालना ही है। अब इसमें दो ऑप्शन आ गए, एक लाइव व्यू, अगर डायरेक्टली कैमरा मैं लैपटॉप से जो मैंने जोड़ा है तो लैपटॉप से आप अगर कभी भी जोड़िएगा तो ये लाइव चलेगा यहाँ पे। दूसरा है कॉन्फ़िगरेशन, तो कॉन्फ़िगरेशन पर हम क्लिक करते हैं और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है, तो एक एक ऑप्शन मैं वन बाय वन करके बताऊंगा। तो अभी हमें देखना है कि जैसा कि मैंने कहा था कि DHCP इनेबल है या डिजेबल, ये देख लेना है यहाँ पे। तो DHCP डिजेबल है, स्टेटिक पे है, यानी स्टेटिक आईपी, यानी कि मैनुअली हम इसमें आईपी जो देंगे कैमरा उसी को एक्सेप्ट करेगा, उसी पे वो रन करेगा। ठीक है, दूसरी चीज मैंने बताया था आपको इसमें कि वीडियो और ऑडियो में एक ऑप्शन आता है आपको स्मार्ट कंप्रेशन का। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट इस पे रहता है, H.264 पे रहता है, तो हमें इसे क्या कर लेना है, इनेबल कर लेना है, यानी H.265 प्लस पे ऑन कर लेना है। ऑन करने का पर्पस ये होता है कि हमारा NVR भी H.265 प्लस का ही अभी आता है और IP कैमरा भी H.265 प्लस का ही स्मार्ट कंप्रेशन के साथ आता है, तो दोनों जब इक्वल रहेंगे तो आपको बैंडविड्थ में दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो हो सकता है कि अगर आपने 16 चैनल का लिया है या 8 चैनल का लिया है, अगर ये आपने कैमरे का ऑन नहीं किया तो हो सकता है कि आप 8 चैनल का लिए हैं तो 7 कैमरा चले, ये कैमरा सपोर्ट ही ना करे। बट कैमरे की दिक्कत नहीं होती, वो दिक्कत होती है स्मार्ट कंप्रेशन की, तो हमें दोनों को इक्वल करना होता है। तो कैमरे में जैसे ही हम एक्टिव करेंगे, एक्टिव करने के बाद आईपी चेंज करने के बाद इन चीजों को हम अरेंज कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद अरेंज करने के बाद तब हम कैमरे को माउंट कर सकते हैं। तो गाइस, मैंने अभी आपको बताया हिकविजन कैमरे, हालांकि सभी कैमरे का रूल सेम ही है, तो मैं अभी बारी बारी से एक एक करके बताऊंगा आपको। तो हिकविजन कैमरे में DHCP को हमें ऑफ ही रखना होता है ताकि राउटर से वो आईपी ना ले, हमें मैनुअली आईपी प्रोवाइड करना है उसे ताकि वो कैमरे ऑफलाइन ऑनलाइन में आसानी से चल सके। दूसरी चीज मैंने देखा यहाँ पे कि आजकल जो मिल रहे हैं स्मार्ट कंप्रेशन बहुत मायने रखता है स्टोरेज के लिए, ठीक है ना, उसका डायरेक्ट इफेक्ट स्टोरेज पे पड़ता है, तो हमें कैमरे को भी H.265 प्लस पे ऑन करके छोड़ना है। ऑन करके रखेंगे तो मेरा कैमरा और मेरा NVR को भी H.265 प्लस पे ही करना है, यानी वीडियो फॉर्मेट पे, तब वो आसानी से कोऑर्डिनेट करेगा और हमारा बैंडविड्थ भी ठीक रहेगा, जिससे जितने भी चैनल का होगा कैमरा आसानी से चलेगा, ट्रबल उसमें नहीं आएगी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, अब आपसे मिलते हैं एक छोटी सी वीडियो लेकर के, फिर आते हैं आगे, तब तक के लिए बाय।